शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। उपचारात्मक शिक्षण का जो मूल्यांकन है उसको आप ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में संकुल, सबसे अधिक संकुल वाला जो ज़िला है रायगढ़ है, फिर उसके बाद राजनांदगांव है। कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करें, इसमें से कुल 30 प्रश्न जिसमें समय अवधि 20 मिनट का होगा, प्रॉपर सबमिट करना ही होगा। प्री ट्रेनिंग क्वेश्चन आयर को भरने के बाद ही पोस्ट ट्रेनिंग हुक का क्वेश्चन आएगा। चलिए चर्चा पत्र क्या है आखिर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ उसके स्टेप हैं कि डाउनलोड करें, शिक्षक को क्या उसमें इनॉल होना है। तो ये चर्चा पत्र को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये सी आंसर है इसका, cgschool.in के माध्यम से हम इसको चर्चा पत्र जो कि प्रति माह के 1 तारीख को डिस्प्ले होता है आता है। बच्चे के प्रगति पत्र में यदि हम शारीरिक मानसिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक आदि का उल्लेख करेंगे तो उस प्रगति पत्र को किस नाम से पुकारेंगे, तो ये सूर्य कुमार यादव वाला है जी। 360 डिग्री परफॉर्मेंस कार्ड, मैंने इसको मिस्टेक किया था, तो आप मिस्टेक मत करिएगा, सी आंसर इसका है। समग्र शिक्षा से चर्चा पत्र का प्रकाशन होता है, तो ये मैंने बात ही किया कि मासिक प्रकाशन होता है चर्चा पत्र का। तो इस चर्चा पत्र संबंधित 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से, तो चर्चा पत्र तो इम्पॉर्टेंट है ही, हर शिक्षक को डाउनलोड करना चाहिए। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ में, तो मात्र 5,000 लोग ही चर्चा पत्र को डाउनलोड किए होते हैं, ये सर्वे के अनुसार बताया गया। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करना एवं उदाहरण देना किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो ये मैंने भी मिस्टेक किया था, आप मिस्टेक मत करिएगा। कौशल है डी आंसर इसका, क्योंकि अनुप्रयोग जो होता है सी जो है वो सिद्धांत को सरलीकरण होता है, मगर जो डी कौशल है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना, इसका आंसर डी आएगा कौशल। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना तथा एवं उदाहरण देना किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसमें कुछ टाइम लगा सोचने के लिए, हालांकि ये 20 मिनट का जो है वो आपको तकरीबन 9 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करना, तो देखिए निष्ठा का विस्तार क्या है, अभी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर होगा निष्ठा जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी जो आंसर है यह होगा स्कूल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर मत डालिएगा, सी आंसर होगा एडवांसमेंट। सीखने सिखाने की किसी गतिविधियों में बच्चे कब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो ये आप जब देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि जब गतिविधियों बच्चों के स्तर के अनुसार हो, मैंने इसका आंसर डाला है। तो गतिविधियाँ एक्टिविटी है, तो बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए गतिविधियाँ। अब क्लास 12th के बच्चों को एक्टिविटी में आप करवा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के एक्टिविटी को, तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप अपने विद्यार्थियों के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित करना चाहेंगे, तो ये सभी गुण विकसित करना ही चाहेंगे, देशभक्ति भी हो, नैतिक गुण भी हो, सामाजिक सहयोग भी हो, तो आंसर डी होगा उपयुक्त तीनों, क्योंकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना एक शिक्षक का एक बोल सकते हैं इच्छा होती है, हसरत होती है कि एक विद्यार्थी जो है उसका वह चहुमुखी विकास करे। तो मगर यहाँ पर दिया ऑप्शन देशभक्ति, नैतिक गुण, सामाजिक सहयोग, तो उपयुक्त तीनों आएगा, डी आंसर आएगा। ये जो उपचारात्मक शिक्षण के जो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करें। प्रतिबिंब अवधारणा प्रत्येक भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो इसका आंसर डी है विचारात्मक प्रक्रिया, इसका आंसर सही है, मैंने किया है क्योंकि ये बहुत सारे जो विचारक हैं उनके आधार पर है। तो प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया गया किस वर्ष हुआ था, तो मुझे याद है राजीव गांधी, तो मतलब 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया गया था, जो 1997 तक जो 75% साक्षरता की बात की गई थी। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 था। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है, तो इसमें होना चाहिए
भी स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। यह बी आंसर होगा इसका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोबेबिलिटी एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकी, तो निपुण का क्या फुल फॉर्म है? तो मुझे पता ही था, मैं इसका आंसर बी है। एक अभिभावक अपने आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो देखिए आंसर सी होगा कि आप उनके पास जाएं, मिलें, समस्या जानें, बताएं विद्यार्थियों की समस्या क्या है। शिक्षक के साथ कौन सा काम संबंधित नहीं है? तो हम देख सकते हैं भाई, बजट तो वित्त मंत्री का ही काम है। बजट, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम बजट का निर्धारण कैसे करते हैं? तो डी आंसर होगा। शालाओं में इंटरनेट सुविधा के तहत 9 से 12वीं तक बजट का प्रावधान है, तो इसमें 2500 रुपये, सिंपल है, 2500 रुपये। आप छत्तीसगढ़ राज्य के कुल संकुलों की संख्या कितना है? जी हाँ, 5540, मैंने जो पहले बताया आपको। भारत में शिक्षा का अधिकार नियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। मैंने मिस्टेक किया क्योंकि 2009 लिखा, क्योंकि यह जो लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ था 2009 में, मगर लागू किया गया है तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। बच्चों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी नहीं है? तो किसी, इसमें देख लीजिएगा, रणनीति नहीं है तो ये आंसर था, देख लीजिए तो बहुत ईजी हो। विद्यार्थी विकास सूचकांक से जाना जाता है। विद्यार्थी विकास सूचकांक के अंतर्गत लर्निंग आउटकम की स्थिति होता है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, शिक्षण में हुई क्षति की पूर्ति हेतु उपचारात्मक शिक्षण, कोरोना काल में जो क्षति हुई उसका। स्वतंत्र पाठक की क्या निशानी है? तो हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है और नई पठन सामग्री की तलाश में रहता है, तो आंसर सी होगा। कुछ भी पेपर मिल गया कहीं पर, या फली खा रहा है तो पेपर मिल गया उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये होना चाहिए। क्या प्रत्येक कक्षा के सभी विषय शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, सभी को करना चाहिए, पूर्णतः सहमत है हम ए से। चाहे मैथ्स का टीचर हो, चाहे वह हिस्ट्री का टीचर हो, इन्हें सभी प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नास का फुल फॉर्म क्या है? आंसर तो था ही, बहुत स्पीड में चला गया ये। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, तो ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव प्रभावी शिक्षण है, व्यक्ति खुद करके सीखेंगे तो ये सबसे अच्छा प्रभावी शिक्षण सहायता है। मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है, तो सीखने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, बी आंसर होगा, उपचारात्मक शिक्षण का समय और समयावधि। जो हम लर्निंग आउटकम की बात कर रहे थे, जो विद्यार्थी विकास सूचकांक, उसमें यह होता है कि जो विद्यार्थी है पूर्व की जो कक्षाएं हैं उसके बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, कुछ मूल तत्व हैं, उसको जानना चाहिए। क्लास 8 का बच्चा जब पढ़ा होगा तो उसको 12वीं तक भी याद होना चाहिए। पहाड़ा की बात करें, अभी दिक्कत ये आ गया है कि बच्चे 12वीं के बच्चे को पहाड़ा नहीं आ पा रहा है, तो ये चीज़ क्या बताया गया पहले कि, चलिए आगे बात करते हैं। पोर्टफोलियो से क्या तत्पर्य? बच्चे, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। पोर्टफोलियो एक प्रकार का विभाजीकरण है। तो ये दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आंसर ए है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूडाइस कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं यूडाइस कोड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। इसका आंसर है 5+3+3+4, तो देखिएगा 3-3 बीच में आ जाता है, 5 सामने और लास्ट में 4 आ जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। शून्य की अवधारणा को सबसे अच्छे से किस प्रक्रिया से समझाया जा सकता है? तो ये है जोड़ना, शून्य की अवधारणा को किस प्रकार से अंक के पीछे में वो कितना शक्तिशाली होता है, मतलब 10 गुना बढ़ जाता है, तो ये बताना है आपको। 1 के सामने मतलब पीछे अगर 0 लगाते हैं तो सब मैंने सबमिट करता हूँ, तो यहाँ 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सबमिट किया है, तो मार्क तो मुझे 18 मिला है, मगर मैंने कुछ सुधार किया है इसमें, मतलब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आंसर हैं, अगर आप मेरे तरह से इसमें अगर वीडियो को देखे होंगे तो तकरीबन आपको 30 में तो 30 मिलेगा ही। तो देख लीजिए क्वेश्चन आंसर मैंने 18 करेक्ट किया, बहुत जल्दबाजी में करेक्ट किया, तो ट्विटर सबमिट है। तो कुछ चर्चा पत्र के संबंध में बात कर लेते हैं कि जो शाला संकुल प्रचार है, अपने संकुल के सभी शालाओं के सभी शिक्षकों द्वारा चर्चा पत्र का अध्ययन, मासिक बैठकों में सक्रिय सहभागिता एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाते हुए एकादमिक कसावट लाने हेतु दृढ़ संकल्पित रहेंगे। तो जो संकुल के जो प्रचार हैं,
आसपास के विद्यालय में शिक्षकों को इस संदर्भ में बैठक लें, क्या क्या एक्टिविटी है समझें। और उपरोक्त माह का तो यह वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।